Well, दुनिया में फूलों की कमी नहीं होती, जहाँ देखो वहाँ फूल। एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि मैं उन बगीचों में खिलने वाले फूलों की बात कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो फूल्स की बात कर रही हूँ, वो फूल्स जो आपको बगीचे में क्या हर जगह दिखाई देंगे। और कहते हैं ना कि हर किसी का दिन आता है, वैसे ही इन फूलों का, फूल्स का भी दिन आता है। अप्रैल फूल्स डे 1 अप्रैल को। आइए देखते हैं हमारी YJ इकबीरा के साथ कि कौन किसे और कैसे फूल बना रहा है। अप्रैल फूल्स की ओरिजिन डेट बैक टू द ईयर 1582, जब फ्रांस ने ग्रिगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट किया था एंड अपना न्यू ईयर्स डे अप्रैल 1 से जनवरी 1 को शिफ्ट किया था। बट फ्रांस के कुछ गांव में विलेजर्स को शायद ये बात पता नहीं थी, या फिर वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते थे। वो अपना न्यू ईयर्स डे अप्रैल 1 को ही मनाते गए, बाकी सारा देश इन पे हंसता था। बहुत जल्द अप्रैल 1 आका पोइसन दावरील पूरे यूरोप में अप्रैल फूल्स डे के नाम से मशहूर हो गया। जैसे ही आप सुबह सुबह उठ के अपने पांव जमीन पे रखते हैं, आपको पता चल रहा है कि आपके पैर के नीचे ठंडे फर्श ने टूथपेस्ट आता है, या जैसे ही आप नहा के निकलते हो और आपको पता चलता है कि आपके कपड़े किसी ने गायब कर दिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ओह नो, इट्स अप्रैल फूल्स। जी हाँ, ये एक ऐसा अनोखा दिन है जब आप जितना जी चाहे उतना लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। थैंक यू, व्हाट्स सो स्पेशल? ओह, देयर इज अनदर बॉक्स। प्रैंकिंग अपने में ही एक टैलेंट है। इस दिन कुछ लोग बुरी तरह से प्रैंक्स के शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोग जी जान लगा देते हैं दूसरों को बेवकूफ बनाने में। अधिराज, 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 इसे, 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 इसे। अधिराज, तुझे पता है 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड स्क्रैप हो गए, वी डोंट हैव टू गिव एग्जी एग्जाम। क्या? सही में? यस यस ये इंडिया, मैं तो तेरा पॉइंट बना रही थी। हैप्पी अप्रैल फूल्स डे, दे ताली। सॉरी, बाय बाय। देखा, ऐसे फालतू प्रैंक्स खेले जाते एक दूसरे पे, क्या मजा आता है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं हमेशा अपने भाइयों की फालतू शरारतों की टारगेट रही हूँ। खैर, मैं चलती हूँ, आप अपना अप्रैल फूल्स मनाइए। दिस इज YJ इकबीरा सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम यंग जर्नल्स। कीप वॉचिंग।